दोस्तों, मैं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूबी लाइव 100 न्यूज। यूबी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूबी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खासकर उत्तर प्रदेश के बहराइच से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रंगदारी मांगी गई है। 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराध गिरफ्तार। बांदा जनपद के अतरा थाना में पुलिस ने 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि मोबाइल सर्विलिंग के आधार पर धमकी भरे कॉल डिटेल को देखते हुए अज्ञात अपराधियों को पता राशि करने पर पता चला कि अपराध कल का है। रंगदारी जनपद के व्यापारियों से मांगी जा रही थी। बदमाश फोन कर व्यापारियों को जान से मारने और रुपए की मांग कर रहे थे। जब पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मजबूरन होकर व्यापारी और उनको मिलने वाले पुलिस की सूचना दिया, जिस पर पुलिस ने कॉल और ऑडियो क्लिप के आधार पर 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। मामला आया था, इसमें लक्ष्मी प्रसाद गोपाल जी के मोबाइल पे कॉल आया था। कॉल धमकी भरा था, जिसमें उसे 1.5 करोड़ मांग की गई थी और उनके कुछ ऐसी बातें उनको बताई जा रही थी जो ऐसा लगे कि जो कॉल करता है उनके बारे में पूरी जानकारी रखता है, उनकी लोकेशन जानता है और उनकी जो जितने भी चाहे वो संपत्ति के विवरण हो हर जानकारी हो। कुछ कारणों से ये बात भारत तक पहुंचाई नहीं गई। बाद में 14 नवंबर 2019 को इस संदर्भ में थाना तरह मुकदमा लिखा गया कि मोबाइल कॉल में 1.5 करोड़ रुपए की लगभग मांग की गई है। धमकाया गया है कि आप पैसे दो अन्यथा आपको इसके बदले मार दिया जाएगा। इसके हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी श्री अतरा के नेतृत्व में, फैसला भी देख रहा था। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।